नए कानून के खिलाफ नेशनल हाईवे को ट्रक चालकों ने किया जाम। मथुरा में ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर यूनियन ने नेशनल हाईवे दिल्ली आगरा बाईपास पर किया चक्का जाम। जाम का असर कई घंटे तक दिखाई दिया और कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। आम जनता कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। जाम की सूचना मिलते ही थाना हाईवे पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर को समझाने का काफी प्रयास किया, परंतु उनके द्वारा इस कानून का विरोध किया गया। काफी समय के बाद जाम को बड़ी मुश्किल से खुलवाया गया। बता दें कि नए कानून के विरोध में देश के कई राज्यों में बस और ट्रक ड्राइवर सड़क पर उतर आए हैं। नए कानून के मुताबिक हिट एंड रन मामले में अगर बस या ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से गाड़ी चलाने से किसी की मौत होती है और चालक भागता है तो उसे 10 साल तक कैद और 7 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। नया प्रावधान बस ट्रक टैंकर चालकों पर लागू किया गया है, जिससे ड्राइवरों में भारी नाराजगी है। वहीं इस कानून का विरोध कर रहे बस और ट्रक चालकों ने कहा कि सड़क हादसे में वे मौके पर रहे तो उन्हें भीड़ का सामना करना पड़ सकता और उनकी जान भी जा सकती है, पब्लिक उनको मार डालेगी। सरकार का ये काला कानून है। वहीं ड्राइवरों की मांग है कि जब तक सरकार नए हिट एंड रन कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक वे बस और ट्रक नहीं चलाएंगे। बालकिशन नाम है भैया, बताएंगे जाम लगा रखा है। ये जाम इसलिए लगा रखा है भैया, हम लोग गरीब आदमी हैं, ड्राइवर आदमी हैं। हम ड्राइवर आदमियों के ऊपर सरकार ने इतना अत्याचार ये कर रखा है, इतना हमारे ऊपर ये जुर्म लगाया है कि 7 लाख 10 लाख रुपया जुर्माना हम ड्राइवर लोग देंगे, 10 साल की सजा काटेंगे। सरकार का कहना है कि अगर कोई घटना होती है तो ड्राइवर उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाएगा। जो अगर ड्राइवर के साथ कोई भी घटना दुर्घटना होती है, जनता उसको ड्राइवर को मारती है, उसके बारे में सरकार ने क्या सोची है? अगर ड्राइवर लोगों के पास ये 10 लाख रुपए या 7 लाख रुपए होते तो ये काल के काल में ड्राइवर लोग क्यों चलते, क्यों अपना मतलब जो भी बच्चे घर परिवार को छोड़ के आते? आज ड्राइवर को ये पता नहीं है कि हम घर से भी बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं कि लौट के हम भी बच्चों के पास पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का काम एक ऐसा काम है कि हर समय काल का काल रहता है। उसके बाद हमारे ऊपर इतना जुर्म कर दिया कि 10 साल की सजा हम लोग काट के आएंगे, तब तक हमारे बच्चे भूखे मरते पाएंगे? हमारा जिंदा रह के रहने का मकसद क्या रहेगा? हम क्यों जिंदा रहेंगे? हमारी सरकार से गुजारिश है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो पहले कानून है वही कानून बना के रखें और जो नया कानून बनाया है उसको सरकार वापस ले। इसी के लिए मैं अपने दो बात शब्द के जाम लगा रखा है। क्या कारण है, क्या मांगे? सरकार ने जो नियम लागू करे इसमें ड्राइवर जो 8,000 की 10,000 की नौकरी करता है वो अपने बच्चे निभा लेगा, 7 लाख रुपए जुर्माना भरेगा। आपकी क्या मांगे, क्या चाहते सरकार? जो पहले से चले आ रहे हैं, जो कानून संचौरासी से हम ड्राइवरी कर रहे हैं, संचौरासी से जो नियम लागू चले आ रहे हैं वही नियम लागू रहे हैं। जो पहले नहीं दे रहे थे बीमा कंपनी के पैसे किसके लिए देते हैं बीमा के? बीमा करवाते हैं जो हम किसके लिए कराते हैं? गाड़ी मालिक हैं जो, वो किसके लिए बीमा कराते हैं? जो हादसा होता है और ड्राइवर के ये कह रहे हैं के साहब जो कोई हादसा होता है उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, पब्लिक के लिए कोई कानून है? पब्लिक ने ड्राइवर में मच्छी को तेल डाल के वही आग लगा देगी, ड्राइवर में गाड़ी सही थी? और ये सरकार जानती क्या है कि आगे पीछे कोई है तो है नहीं है? ये लड़का लड़ुआ की तो सरकार है। 5 घंटे से आप यहाँ खड़े हो, 5 घंटे के पास दल भी खड़े रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर अमित शाह जी और मोदी जी इस तरीके से फैसले लेंगे तो आगे इनको बहुत घाटा खाना पड़ेगा, जनता ही दुखी रहेगी। तो क्या मतलब है, पहले नोटबंदी में जनता दुखी रही, कोरोना काल में जनता दुखी रही, गरीब का तो मरना ही हो गया ना इस सरकार में।